तात्या, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। बाबा का खाना होने के बाद इन्हें तुम द्वारका माई छोड़ाओगे? तुम उस बायजा मां के बेटे हो जिन्होंने अभी अभी सबूरी का अभूतपूर्व उदाहरण दिया है। ठीक है साईं, हरिओम हरिओम। तो क्या निर्णय हुआ आपका? चलिए मेरे साथ चलिए, दवा लीजिए और अपने घर जाइए, नहीं तो यहां भी रह सकते हैं आप। उस ढोंगी के उपचार की राह देखते देखते अपने प्राण त्याग सकते हैं आप। इतनी तकलीफ सह के आपसे मिलने आया और आप? सरकार, आपने मुझे खाना खिलाया, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन मैंने साईं से वादा किया है कि मैं यहीं रहूंगा। जो होना होगा यही होगा, मुझे साईं पर यकीन है। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो कुलकर्णी सरकार के वाड़े के द्वार आपके लिए हमेशा खुले मिलेंगे। शुक्रिया, चलता हूं। या अल्लाह मदद। भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आज मुझे भिक्षा में जलाने वाली धूप चाहिए, जितनी भी हो सके। धूप? जी साईं, अभी लाई। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सारी मेहनत बेकार हो गई, चार पैसे कमाने का मौका था वो भी हाथ से निकल गया, ऊपर से सारा मुफ्त का खाना खा गया वो। हुँ।
क्या मैं तुम्हें फटीचर वैद्य नजर आ रहा हूँ जो चंद सिक्कों के लिए इतना बड़ा प्रयास करे? वो बंबई का धनिक है और गठिया का उपचार करना मैं जानता हूँ। यदि मैंने उस पर उपचार करके उसे अपने काबू में कर लिया तो वो अपने लोगों में मेरी बढ़ाई करेगा, केवल अपने लोगों में नहीं गांव वालों में भी मेरी बढ़ाई करेगा। लेकिन सरकार, इसलिए तो मना कर दिया, इसे उस फकीर पे विश्वास है। उसे विश्वास को तो तोड़ना है मुझे। मैंने ऐसी योजना बनाई है कि वो धनिक मेरे पास रेंगता हुआ चलाएगा। हरिओम। इतनी सारी धूप का क्या करेंगे साईं? शायद किसी को जरूरत पड़ जाए इसकी। पता नहीं साईं को ये जगह पसंद क्यों आई। ऐसा क्या रखा है शिरडी में? ना तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, ना ही माहौल, पर सब खून चूसना चाहते हैं। Hey, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? बिस्तर लगा मेरे लिए। ये साई भी कहाँ रह गया? भागता रहता है इधर उधर। आज तो सुनेगा मुझसे। ऐसे फालतू लोगों से मुंह नहीं लगने दूंगा जो अतिथि का मतलब ही नहीं समझते हैं। चल, मुंह क्या देख रहा है मेरा? बिस्तर लगा। जा रहा हूं। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुझे बिस्तर लगाने को कहा था, ऐसे फेंकने को नहीं। अच्छा, एक तो बदतमीजी की बड़े बुजुर्ग के साथ, और उसके बाद जब बड़े बुजुर्ग ने कुछ कहा तो आंखें दिखा रहा है। यही संस्कार दिए हैं तेरे आई बाबा ने तुझे? आपने मेरी आई का अपमान किया, मेरे साई का अपमान किया, लेकिन मैं अब तक चुप हूं सिर्फ उन संस्कारों की वजह से जो उन्होंने मुझे दिए हैं। तो फिर मेरी सेवा करने में वो संस्कार कहां गए? करना मेरी सेवा? नहीं, हर बात की एक सीमा होती है। मैं नहीं जानता कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूं जो मेरी आई की बेइज्जती करता है। मेरे गुरु, मेरे भाई तुल्य साई का आदर नहीं कर सकता है। उसकी बातें मैं जैसी तैसे करके सहन कर भी लूं, लेकिन उसकी सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे, सबके सामने तो मुंह में दही जमा कर बैठा था, अब निकली तेरी भड़ास। आने दे साई को, सब बताता हूं। तुम दबा कर सेवा करनी पड़ेगी मेरी। मैं साई से नाक रगड़ के माफी मांग सकता हूं, लेकिन आपकी सेवा कभी नहीं। और मैं जानता हूं कि साई को सच्चाई पता है, वो जरूर समझेंगे। तो फिर सुन ले, तूने मेरा अपमान किया है, अपमान किए जा रहा है। मैं तुझे द्वारका माई से, साई की जिंदगी से दूर कर दूंगा। कोशिश जरूर करिएगा, आपका यह अहंकार टूटना जरूरी है। अगर आप जैसे 10 भी आ जाए ना, फिर भी साई मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। तात्या, साईं, तुम्हारे घर में मेरा अपमान हुआ और तुम खड़े खड़े देखते रहे। साईं, ये चाहता है कि इतनी ठंड में मैं जमीन पर सोऊं। मैंने इस तात्या को बिस्तर बनाने के लिए कहा तो उसने बिस्तर फेंका ऐसे।
आधा सच मत बताइए काका, साईं इन्होंने आप बताइए बाबा, इसने मेरा कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया, उल्टी सीधी बातें की, अब इसकी आई का खाना मुझे पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती, उल्टा इसने मुझे खरी खोटी ही सुनाई। अरे बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है इस लड़के को। साईं, मैं नाराज जरूर हुआ, लेकिन इनकी 100 बातें सुनने के बाद और खासकर जब तुम शांत हो जाओ तात्या। आप बताइए बाबा, आप क्या चाहते हैं? इसे द्वारका माई से निकाल दो। हमेशा के लिए यहां कभी ना आए। तब से ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि ये मुझे द्वारका माई से और आपसे दूर कर देंगे, लेकिन मैं इनसे यही कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। साईं, बोलो इसे कि जितनी देर यहां रहेगा मेरे अपमान की अवधि बढ़ती जाएगी। मैंने कहा था ना काका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर चाहे आप जो भी कहें। जाओ तात्या। चले जाओ यहां से। तात्या, मैं ये सोच समझ कर कह रहा हूं, द्वारका माई से चले जाओ अभी इसी वक्त, वापस लौट के मत आना। साई, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया, मेरा फैसला है, जाओ। बदतमीज के साथ साथ बेशरम भी है ये तो। चलो निकलो, सुना नहीं क्या कहा साईं ने? साईं, साईं मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं। मैं बाबा की बात नहीं टाल सकता हूं तात्या। चले जाओ यहां से। मैं आपका बिस्तर लगा देता हूं बाबा।
मानसपति जी, तात्या को मत डांटिए, कम से कम उसके बीवी बच्चे के सामने तो नहीं। किसान हो तुम जानते हो कि चावल के एक दाने में कितनी शक्ति होती है, और उस चावल के एक दाने में किसान की मेहनत, मिट्टी की उर्वरता, बायजा मां और तुम्हारा प्यार भी तो भरा हुआ है। मैंने कहा था ना काका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर चाहे आप जो भी कहें। जाओ तात्या, चले जाओ यहां से। शायद मैंने ही कोई गलती कर दी साईं, लेकिन इतनी बड़ी गलती क्या थी मेरी कि आपने मुझे अपने से दूरी कर दिया। साई, आपने मुझे अपने से दूरी कर दिया। ये दूरी भी कोई दूरी है कि हम दोनों एक दूसरे का निरंतर स्मरण कर रहे हैं? विरह की इस पीड़ा में भी सानिध्य है तात्या। मच्छरों ने तो परेशान कर दिया। या अल्लाह, यही बीमारी लिखी थी मेरे नसीब में। जी, सरकार ने एकदम सही योजना बनाई है। यदि वो अपनी मर्जी से उस खंडर से निकलना नहीं चाहता है तो उसे मेरी मर्जी से वहां से निकलना पड़ेगा। ये लो। अरे वाह, काम से पहले ही ना। धन्यवाद सरकार। सरकार, ये तो खाली है, इसका क्या करें? अरे मैं जानता हूँ तुम लोग मंदबुद्धि हो, गधे जितनी भी अक्ल नहीं है तुम दोनों में। बताता हूँ क्या करना है। सरकार,
कोई और तरीका नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है। नहीं सरकार, यही सही है। अब हम भी देखते हैं कि साई से किया हुआ वादा जीतता है या बिच्छू का डर। पंताजी आप ये थोड़ी देर में जाकर उस सेठ को बचाएंगे ताकि उसको हम पर शक ही ना हो। अल्लाह अल्लाह हो दादा। संता जी, ये जरूर उस फकीर का ही काला जादू होगा। हाँ संता जी। साई, मैं जानता हूँ ये आपका ही चमत्कार है।
आपने आज मेरी जान बचा ली। शुक्रिया साई, बहुत बहुत शुक्रिया। वरना आज तो मैं साई, तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है आमिर। अपने गंतव्य तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमजोर मत बनो, हार मत मानो, विश्वास रखो अपने आप पर, अपनी हिम्मत पर। मत भूलो कि हर इंसान अपने आप में एक चमत्कार है, और जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के चमत्कार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर सोए नहीं क्या? उस नालायक तात्या को यहां से भगाकर बुरा लग रहा है। बड़ों के साथ बात करने की तमीज नहीं है उस लड़के में। उसके बारे में क्या सोचना? पता नहीं क्या संस्कार दिए उसे उसके आई बाबा ने। बाबा, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लीजिए। ठीक है, तुम नाश्ता तैयार करो। के लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? सुबह सुबह चले आते हैं। आइए बापू साहब। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं साईं। साईं, मेरे चचेरे भाई ने अपनी बेटी की शादी के लिए वालसपति जी को कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे। वो गहने तैयार हो गए हैं और मुझे वो गहने लेकर साकोरी गांव जाना है। लेकिन आज की बैलगाड़ी खाली नहीं है और गहनों को पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पैदल ही साकोरी गांव जा रहा हूँ। साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि रास्ते में डाकुओं का आतंक है। मेरे पास इतने गहने होंगे जो किसी और की अमानत है, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो। इसीलिए साईं, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जिस पर आपकी कृपा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है बापू साहब, लेकिन आज मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूं। क्या साईं? कह
कहीं कोई कीमती चीज तो नहीं थमा देगा इस बापू साहब को? इसे आप पूरे रास्ते पहने रहिएगा। ये कड़ा एक मौलवी जी ने दिया था मुझे, तब से ये मेरे साथ है। लीजिए। साईं ये बड़ा है, गिर जाएगा। गिरे तो फिर पहन लीजिए, लेकिन आपको इसे पहने रहना है तब तक जब तक आप वो गहने सही जगह नहीं पहुंचा देते। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।